आज हम जानेंगे झारखंड राज्य के स्टूडेंट और बिहार राज्य के स्टूडेंट पॉलिटेक्निक के कौन सा ब्रांच लेना पसंद करते हैं, और ये भी जानेंगे कि क्यों यही सभी ब्रांच लेना ज्यादा पसंद करते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। बात करते हैं पहले बिहार राज्य के बारे में कि यहाँ के स्टूडेंट सबसे ज्यादा पॉलिटेक्निक के कौन सा ब्रांच लेना पसंद करते हैं। तो नंबर वन पे जो आता है वो है सिविल ब्रांच। आखिरकार क्यों बिहार के स्टूडेंट यही ब्रांच लेना ज्यादा पसंद करते हैं, इसका क्या कारण है, आइए जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि पढ़ाई करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है पैसा और इज्जत। ये सभी बिहार राज्य के स्टूडेंट में यह स्टार्टिंग से बैठा दिया जाता है कि जॉब मतलब जो होता है वो गवर्नमेंट ही होता है, ना कि प्राइवेट जॉब होता है। और पॉलिटेक्निक के सबसे ज्यादा किसी भी ब्रांच में वैकेंसी निकलती है तो वो है सिविल ब्रांच। सिविल ब्रांच में इसमें गवर्नमेंट वैकेंसी बहुत ही ज्यादा निकाली जाती है, इसलिए बिहार के स्टूडेंट सिविल ब्रांच लेना ज्यादा पसंद करते हैं। बात करें पैसों की तो इस ब्रांच में बहुत ही ज्यादा पैसा है, व्हाइट मनी भी और ब्लैक मनी दोनों। अब बात करते हैं झारखंड राज्य के, तो यहाँ जो है पूरा अपोजिट है। बिहार में सिविल ब्रांच का डिमांड बहुत ही ज्यादा है, तो वहीं झारखंड राज्य में मैकेनिकल ब्रांच को लेना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं स्टूडेंट। आइए जानते हैं कि क्यों सबसे ज्यादा झारखंड राज्य के स्टूडेंट मैकेनिकल ब्रांच ही लेना ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ जो है मुख्य उद्देश्य यहाँ की कंपनियां, यहाँ जो है सबसे ज्यादा मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, इसके कारण ही यहाँ के छात्र, यहाँ के स्टूडेंट सबसे ज्यादा मैकेनिकल ब्रांच लेना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ कैंपस प्लेसमेंट बहुत ही ज्यादा होती है। इसलिए यहाँ के स्टूडेंट, झारखंड पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट ज्यादा मैकेनिकल ब्रांच लेना पसंद करते हैं। तो आप सभी अच्छे से जान गए होंगे कि बिहार के स्टूडेंट सबसे ज्यादा कौन सा ब्रांच लेना पसंद करते हैं और झारखंड के स्टूडेंट सबसे ज्यादा कौन सा ब्रांच लेना पसंद करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पता चल गया होगा कि दोनों में कौन कौन से राज्य में कौन से ट्रेड ज्यादा लेना पसंद करते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।